हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम शिल्पा दास एंड वेलकम टू 5 पैसा। चलिए इस हफ्ते की शुरुआत करते हैं और देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी आउटलुक, यानी कि उनके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बारे में हम जानेंगे। इसके अलावा इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 5 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे और कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी आउटलुक की। निफ्टी को अराउंड 18,550 का सपोर्ट मिल रहा है और 18,800 विल एक्ट एज रेजिस्टेंस। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी को अराउंड 43,200 का सपोर्ट मिल रहा है और 44,000 विल एक्ट एज रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं 5 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे की। इन स्टॉक्स को आप 7 से 10 दिनों के लिए होल्ड कर सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक है बिरला सॉफ्ट। यहाँ पर राइजिंग वॉल्यूम है, बाई कर सकते हैं 344 पर, स्टॉप लॉस 337, पहला टारगेट 352 और दूसरा टारगेट 358 पर रख सकते हैं। इसके अलावा लोधा, यहां पर बुलिश मोमेंटम है, बाय कर सकते हैं 652 के अराउंड, स्टॉप लॉस 632, पहला टारगेट 673 और दूसरा टारगेट 695 पर रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इज नैटको फार्मा, यहां पर वॉल्यूम स्पर्ट है, बाय कर सकते हैं 674 पर, स्टॉप लॉस 648, पहला टारगेट 700 और दूसरा टारगेट 728 पर रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इज भारती एयरटेल, यहां पर राइजिंग वॉल्यूम है, आप इसे बाय कर सकते हैं अराउंड 855 पर, स्टॉप लॉस 830, पहला टारगेट 880 और दूसरा टारगेट 907 पर रख सकते हैं। इसके अलावा अगला स्टॉक है अरबिंदो फार्मा लिमिटेड, यहां पर रेंज ब्रेकआउट है, बाय कर सकते हैं 699 पर, स्टॉप लॉस 678, पहला टारगेट 720 और दूसरा टारगेट 740 पर रख सकते हैं। बात करें परफॉर्मेंस ऑफ ट्रेडिंग पिक्स की तो वाबाग वेंट अप 2.7%, फर्स्ट टारगेट अचीव्ड। चलिए अब देखते हैं स्टॉक्स इन न्यूज, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कैम्ब्रिज टेक्नोलॉजी, रतन इंडिया एंटरप्राइजेज एंड डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के बारे में। कैम्ब्रिज टेक्नोलॉजी लिमिटेड की बात करें तो कैम्ब्रिज टेक्नोलॉजी ने बीएससी को इन्फॉर्म किया कि द बोर्ड अप्रूव द प्रपोज एक्विजिशन ऑफ आरपी वेब एप्स प्राइवेट लिमिटेड फॉर ₹3 करोड़। इसके अलावा कोटक स्ट्रेटेजिक सिचुएशंस इंडिया फंड एंड कोटक प्राइवेट क्रेडिट फंड हैव इन्वेस्टेड ₹732 करोड़ इन द नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफ रतन इंडिया पावर लिमिटेड। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज इंडिया में एक ट्रेड जेनेरिक्स बिजनेस में एंटर कर रहे हैं विद द लॉन्च ऑफ इट्स न्यू डिवीजन आर जेनेक्स। कंपनी क्लोजली काम करेगी विद इट्स चैनल पार्टनर्स टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन और ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए कीप फॉलोइंग 5 पैसा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड ऑल्सो अगर आपके कोई भी फीडबैक है तो हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर देते रहें।